दोस्तों, आपने मंदिरों के पुजारियों को अलग अलग तरीके की धोती और टोपी पहने तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी मंदिर के मुख्य पुजारी को मंदिर स्त्री रूप में आते देखा है? जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर के पुजारी मंदिर में स्त्री रूप में आते हैं भगवान के सामने। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्या है इसके पीछे की वजह? कौन सा मंदिर है यहाँ? आपके इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चार धाम में से एक जहां श्री हरि विष्णु प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, इस जगह को हम और आप बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही अद्भुत है यहाँ की परंपरा। बद्रीनाथ धाम में हर साल एक समय आता है जब यहाँ के पुजारी अपने आप को स्त्री रूप में ढालकर और स्त्री जैसा श्रृंगार कर भगवान बद्रीनाथ के सामने आते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का एक अलग ही महत्व है, जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर साल के मात्र 6 महीनों तक ही खुला रहता है, इसके बाद बाकी के 6 महीने इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इसी दौरान जब मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, तब पुजारियों को मंदिर के बाहर बसे देवी देवताओं को मंदिर के गर्भगृह में रखना होता है। सबसे पहले पुजारी गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर उनके मूर्ति को अपने गोद में उठाकर वे उसे मंदिर के अंदर रखते हैं। इसके बाद बारी आती है माता लक्ष्मी की। माना जाता है कि माता लक्ष्मी को उनकी सखी ही स्पर्श कर सकती है, जिस कारण मंदिर बंद होने से एक दिन पहले माता लक्ष्मी को आमंत्रण भेजा जाता है एवं मंदिर बंद होने के दिन मंदिर के मुख्य पुजारी माता लक्ष्मी की सखी का रूप, जो कि स्त्री होती है, उस रूप को धारण करते हैं, जिसके बाद वह माता लक्ष्मी को उठाकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और 6 महीनों के लिए वह उनकी स्थापना भी करते हैं। दोस्तों, मंदिर के कपाट को बंद करते वक्त ही अगले साल मंदिर किस दिन खुलेगा और किस दिन बंद होगा, इसका निश्चय भी किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि नारायण जरूर लिखें।